सबसे पहले लिक्विड को रास्ता देना है, उसके बाद भारी चीजें। लिक्विड को जल्दी से, जैसे फ्रूट पहले इसलिए खाने बोलते हैं कि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, 95% लिक्विड रहता है, बॉडी को पावर मिल जाता है। अब आप गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, जाम लग गया है तो पहले साइकिल वालों को आगे करेंगे, फिर स्कूटर वालों को आगे करेंगे, ट्रक वाले को आगे कर देंगे तो पूरा पीछे जाम हो जाएगा। इसीलिए लिक्विड चीज़ें पहले लेना है, जल्दी से पावर बढ़ाना है, उसके बाद सॉलिड चीज़ें लेना है। सॉलिड चीज़ें स्टमक में होल्ड हो जाती है जाके, उसको टाइम लगता है, और लिक्विड 10-15 मिनट आधे घंटे में पावर बढ़ा के स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाता है। और घुटना जिसको प्रॉब्लम होता है, खड़े खड़े जो पानी पीते हैं, घटाघट पानी पीते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं, जल्दी जल्दी पानी पीते हैं, उनको किडनी में जाके सीधा लोड पड़ता है उस पानी पे। एक साथ कोई चीज़ फोर्स से डाल देंगे धक्का तो लगेगा धीरे धीरे, इसलिए घुट घुट करके पानी पीना है, बैठ के पानी पीना है, अभी से घुटना प्रॉब्लम से बचना है। हमेशा पूरी लाइफ में कहीं पर भी स्टडी करो, देखो तो यही देखो कि क्या नहीं करना है उस प्रॉब्लम के लिए, क्या नहीं करना है वो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोग यही सर्च करते हैं क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है बहुत कम लोग सोचते हैं। अब ये घुटना जिसको प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले ये पटेला जो है, अगर कोई ट्राउजर या सलवार पहने